वेलकम बैक टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। बरसात के बाद देखिए कैसी हालत हुई है मेरे गार्डन की, ये आप सब देख रहे हैं। तो मुझे फिर से इसका मेकओवर करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा गार्डन ही बरसात की वजह से एकदम ये बुरी हालत में पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने सोचा कि अब इसका मेकओवर कर दिया जाए, क्योंकि बरसात अब ख़त्म हो गया है तो मुझे मैट भी बिछाना था, मैट भी मैं लगा दूं, क्योंकि बरसात में मैंने मैट को हटा दिया था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो इसलिए मैंने सारे जितने भी मैंने मैट बिछाए हुए थे वो सब मैंने हटा दिया है। और ये सब देखिए पौधे भी बहुत बुरी हालत में हो गए हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए अभी नवरात्र में चली गई थी घूमने, क्योंकि मैं सोची थी कि उस टाइम पे मैं नवरात्र के टाइम में कुछ काम घर पे कर लूँगी। तो अचानक से हम लोग का बाहर जाने का प्लान बन गया तो सारे प्लांट्स जो हैं सूखे भी हो गए हैं, क्योंकि पानी वानी बहुत अच्छे से पड़ा नहीं है तो इस वजह से थोड़े से ख़राब हो गए हैं। तो ये आप सब देख रहे हैं। तो और जब मैं इसको लगा लूँगी अच्छे से तो मैं फिर से इसका दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसको फिर अरेंज कर दिया है अच्छी तरीके से। ये सब देखिए बाहर से भीतर तक पूरा। और मैंने फ्रेंड्स सोचा है कि फिर से इस बार कुछ प्लांट्स को मैं, जैसे नीचे वाले जो पौधे हैं बहुत बड़े बड़े हो गए हैं मेरे, तो मैंने सोचा कि कुछ प्लांट्स को ऊपर भी ले जाके शिफ्ट करूँ, और जो ऊपर से लाने लायक है वो मैं नीचे शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरीके से मुझे कुछ प्लांट्स को तो ऊपर ले ही जाना पड़ेगा ऊपर वाले टेरेस पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पौधे बड़े बड़े हो गए हैं कि नीचे थोड़ा सा एकदम झाड़ जंगल हो गया है बारिश की वजह से। तो ये सब देख रहे हैं आप सब, ये मेरे नीचे के गार्डन का है व्यू। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इस गार्डन के मेकओवर के बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अरेंज कर लिया है अपने प्लांट्स को। तो फ्रेंड्स मैं अपने गार्डन का मेकओवर कर चुकी हूँ, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ मैंने तरीके से सारे प्लांट्स को लगा दिए हैं। तो एक बार मैं उसका ओवरव्यू आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये सारे मेरे प्लांट्स को, ये सारे देखिए, और बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी तो बहुत मेहनत के बाद ये मेरा काम फाइनल हो गया है। टेंगल हार्ट मेरा देखिए कितना लंबा हुआ है।
फ्रेंड्स, एक प्लांट मेरा जो सूख गया है, मैं बाहर घूमने निकल गई थी, घूमने चली गई थी कोलकाता पूरी के साइड में, तो इसको थोड़ा पानी का इधर उधर हो गया है, तो ये मेरा प्लांट पूरे का पूरा सूख गया है। बड़ा अफसोस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये गार्डनिंग ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।